गुड मॉर्निंग क्लास। तो सिलेबस अपना चेंज हो गया है, आपको पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस को देखना है। और एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर मैंने आपको भेज दिए 3, 5 और 10, 11, ये अपने एप्लीकेबल नहीं होंगे, बाकी के चैप्टर अपने एप्लीकेबल होंगे। तो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन का था, जो मोटा मोटी अपना हो गया था। उसके बाद भी अपन बात कर रहे थे सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो किताबें आप देख लेना, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका चल रहा था। उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल अपन पढ़ रहे थे, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं। तो आपके बुक में दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है फैक्ट्री, पेज नंबर 193 पे होगा शायद, बुक के हिसाब से देख लेना, मेरे पास पीडीएफ फाइल है उसके हिसाब से देख के बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया फैक्टरिंग होती क्या है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बहुत सारी उधार हो जाती है, बहुत सारी उधार का मतलब हम माल बेचते हैं, क्रेडिट में बेचते हैं, उधार में बेचते हैं, 10 दिन के 15 दिन के 20 दिन के 1 महीने 1.5 महीने के उधार पे, और वो पैसा कलेक्शन आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उस पैसे को अपन को जल्दी मंगवाना होता है, तो कैसे करें, कोई उपाय नहीं है, पैसा की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है फिर बता दूंगा आपको। फैक्टरिंग इज ए फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच ए बिजनेस फर्म सेल, एक बिजनेस फर्म होती है वो बेच देती है इट्स बुक डेट बुक, मतलब अपने देनदार जिनको माल बेचते हैं उनको बोलते हैं बुक डेट, हमारे ये कस्टमर है, टू फैक्टर्स, फैक्टर ये होते हैं अभी बताऊंगा, एट ए सर्टेन वैल्यू, बैंक, लेंडर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फैक्टर होते हैं। बैंक भी हो सकती है, कई पैसा देने वाले भी हो सकते हैं, फाइनेंस इन कंस्टिट्यूशन कोई भी हो सकता है। हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेप्ट कलेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस फर्म, जो कि क्या करेंगे अपने डेटर से कलेक्शन करके देंगे, एंड प्रोवाइड द बिजनेस फर्म प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैड डेट्स, और जो बैड डूबने का चांस है बैड डेट्स उससे अपन को प्रोटेक्ट करेगी। अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन द बिजनेस फर्म कैन गेट एडवांस पेमेंट, इसके केस में क्या होंगे, हम एडवांस पेमेंट ले लेंगे ऑन द बिल रिसीवेबल्स विदाउट वेटिंग टिल देयर मेच्योरिटी डेट, दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ द। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो मैं बताऊँ आपको एग्जाम्पल देखे। सपोज करो कि कोई आर लिमिटेड है, कोई फर्म है, इसने सेल की इस साल 15 लाख रुपये की, जो कि उधार है, उधार सेल की बात करूँ, इसको बोलते हैं पर क्रेडिट सेल्स। तो ये हमारे क्या बन गए, आपको असलम जी सर पढ़ाते होंगे, डेटर्स क्या बन गए, डेटर्स, इसको हिंदी में लिख देता हूँ देनदार, इनको बुक डेट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुक डेट्स, बुक में कितनी उधारी है, क्या बोलते हैं। अब ये पैसा नहीं देते हैं तो इनको बोलते हैं बैड डेट्स, डेट्स का मतलब हमारी देनदारी है, बैड का मतलब बुरे, जिनसे पैसा नहीं आएंगे। अब मार्केट में क्या है बेटा, बात करते हैं मार्केट में, मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बैंक है, लेंडर है, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके पास पैसा पड़ा रहता है, पब्लिक का पैसा रहता है, वो क्या करते हैं, इन कंपनियों के ये जो डेटर्स है ना, ये है, इनको खरीद लेते हैं, बाई कर लेते हैं। क्या, जैसे सपोज करो 15 लाख रुपए के हैं, इसकी छटनी कर ली उन्होंने कि भाई कितने लोगों के पैसे आ सकते हैं, सपोज करो 10 लाख लोगों के पैसे आने के चांस है, ये क्या करेंगे, ये 10 लाख रुपए के हैं ना डेटर्स, इनको अपन को क्या बोलते हैं कि इनसे कलेक्शन हम कर लेंगे। तो ये क्या कहेंगे मार्केट की, वी विल कलेक्ट फ्रॉम देम, इनसे हम कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन बदले में हम आपको देंगे 9,50,000 रुपये, 50,000 रुपये हमारा कमीशन रखेंगे, क्या रखेंगे, कमीशन रखेंगे। तो उन्होंने 50,000 रुपये रखने के लिए कह दिया, 50,000 तो रखेंगे वो, बाकी ले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई 10 लाख रुपये अपनी उधारी थी, जो पता नहीं कब आती है, जिसका कोई सर्टेनिटी नहीं थी, अपने पास सर्टेनिटी नहीं थी, उसको सर्टेन किसने किया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अपनी बिजनेस फर्म है, ये हमारे डेटर्स हैं और ये फैक्टर्स हैं, ये ऐसे चलता है, ये लो इनसे, ये डेटर्स है ये अपने ले लिए, अब इनसे अपन कलेक्ट कर लेंगे, इनको हमने पेमेंट कर दिया, ये हमें मिस्टर आर लिमिटेड है, ये मेसर्स आर लिमिटेड है, जो भी है, ये हमारे डेटर्स है, ये फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन्होंने 9,50,000 रुपये दे दिए, 10 लाख रुपए के इनसे खरीद लिया, अब इनका काम, अपना काम है इनसे कलेक्शन करना, किनका, फैक्टरिंग का। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या,
फैक्टरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग। तो अब समझ में आ जाएगी क्या है फैक्टरिंग। इज ए फाइनेंशियल सर्विस अंडर विच ए बिजनेस फर्म सेल, बिजनेस फर्म का मतलब आर लिमिटेड, आर लिमिटेड सेल कर देती है अपने बुक डेट देनदारों को, टू किसको, फैक्टर्स को। कौन कौन है फैक्टर्स, बैंक है, लेंडर्स है, फाइनेंसर है। हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डेप्ट कलेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस फर्म, इस बिजनेस फर्म के बिहाफ पे, जो आर लिमिटेड है ना, आर लिमिटेड उसके बिहाफ पे कलेक्शन कर लेंगे, एंड प्रोवाइड द बिजनेस फर्म प्रोटेक्ट फ्रॉम द बैड डेट्स, और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अंडर दिस एग्रीमेंट अरेंजमेंट द बिजनेस फर्म कैन गेट एडवांस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो कि भाई हम आपसे कलेक्शन कर देंगे 50,000 रुपये कमीशन के लेंगे, 10 लाख रुपये कलेक्शन करने के, एक बार एक काम करो आपको जरूरत है तो 5 लाख रुपये ले लो, बाकी का पैसा हम बाद में देंगे, एक साथ 9.5 लाख रुपये वो भी नहीं देंगे आपको। तो बस सिर्फ ये मान लो कि उनको कलेक्शन के व्यापक कमीशन के व्यापक उनको कलेक्शन करना है, रिकवरी वाले होते हैं ना वैसे। तो ये आपका था फैक्टरिंग। अब इसकी कुछ मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा। एक बार ये फैक्टरिंग आप बता देना, आपकी बुक में मेरिट डिमेरिट भी दी हुई है, वो आप पढ़ना, उसको मैं आप कर दूंगा। तो इसके अंदर आप पॉइंट याद रखना कि अपन इसकी लिमिटेशंस है, मेरिट डिमेरिट अपन की छोड़ी हुई है, वो देखेंगे। अब इसका नोट्स नहीं बनाया हुआ है, मेरे को दूसरी बुक से लिया हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं कस्टमर एडवांस, ये तो बड़ा इजी है। कस्टमर एडवांस का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि भाई अपने पास कोई ग्राहक आया, कोई कस्टमर आया, हम सेलर हैं, कि सर हमें 40,000 रुपये की ये आप अलमीरा बना के दो या फर्नीचर बना के दो, कह दिया। दूसरा ग्राहक भी आया, उसने भी 40,000 का मांग लिया। ऐसे अपने पास कम से कम 20 ग्राहक डेली आते हैं, तो 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख रुपये अपन को चाहिए। अब इतना पैसा अपने पास होता नहीं, हम क्या कहते हैं कि सर 40,000 रुपये का हम आपको बना देंगे, आप एक बार 20,000 रुपये एडवांस दे दो, आपका माल तैयार होने के बाद में आप ले जाना, 20,000 रुपये दे जाना। तो कहने का मतलब क्या है, वी आर अरेंजिंग अरेंजमेंट ऑफ मनी इन एडवांस, किससे, फ्रॉम कस्टमर से। देखो क्या लेकर का है, एट टाइम द बिजनेसमैन कैन टेक सम एडवांस फ्रॉम हिज कस्टमर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ गुड्स गिवन, एट द टाइम ऑफ बिजनेसमैन कैन टेक, ले सकता है सम एडवांस फ्रॉम हिज कस्टमर अगेंस्ट द ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया ना गुड्स सामान का, ऑर्डर ऑफ गुड्स गिवन हिज, दिस एडवांस इज नोन एज ए कस्टमर, इसको क्या बोलेंगे, कस्टमर एडवांस बोलेंगे। दिस एडवांस इज डिमांडेड ओनली इन द सिचुएशन ऑफ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ऑर्डर, जब जैसे 2 लाख रुपये का ऑर्डर आ गया, 5 लाख का ऑर्डर आ गया, 20 लाख का काम का ऑर्डर आ गया, तो कुछ तो पैसा लेना पड़ेगा। और वेन, वो डिपेंड करता है आप कितने बड़े सेलर हो, वेन द वैल्यू ऑफ द ऑर्डर गुड्स इज हायर और द कस्टमर इज न्यू, और नया कस्टमर होता है और अनफेमिलियर होता है, तब ये एडवांस की जरूरत होती है। जैसे कोई जानकार पुराना आदमी अपन से काम करवा रहा है तो उसके तो अपन कोई दिक्कत नहीं, 40,000 रुपये में से कुछ एडवांस लेंगे। नया आदमी है, अब अपन को रिस्क रहती है कि 40,000 रुपये का सामान बना के रख देंगे, आएगा नहीं आएगा, वापस लेके जाएगा नहीं जाएगा, तो उससे हमें क्या लेना पड़ता है, एडवांस लेना होता है। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान में रखना है। फिर एक पॉइंट आता है, लोन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसे न तो कोई फाइनेंशियल कंपनी है, न कोई बैंक है। इसका मतलब, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में, आप कह सकते हैं साहूकार होते हैं ना अपने गाँव के अंदर, 2 रुपये सैकड़ा 1 रुपये सैकड़ा ये सब पैसा उधार देते हैं ना, ऐसे लोग। तो दिस कैटेगरी ऑफ फाइनेंस सोर्स इंक्लूड इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर भी कह सकते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव हु प्रोवाइड द फाइनेंस और लोन ऑन द पर्सनल सिक्योरिटी, ये अपने खुद की जानकारी के हिसाब से देते हैं, और ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द एनी असेट्स, या कोई जैसे पुराने जमाने में क्या होता था, असेट्स सोना चांदी रख लेते थे और उसके बदले में पैसा उधार देते थे। तो इस टाइप के अनऑर्गेनाइजिंग का कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर नहीं है, ये तो ईजी है एकदम। अब चलते हैं अपन आगे, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है बेटा पैसा जमा लेना लोगों से। जैसे मान लो कि अपन कोई कंपनी चला रहे हैं, अपन को पैसा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक आदमी तो अपन को देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी के नाम का उनका कोई जैसे शेयर नाम सुना ना, ऐसे कुछ से उनको दे देंगे, तो उनके बदले में अपन पैसा ले लेंगे। जैसे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट बाई पब्लिक विद द कंपनी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, 6 से 3 साल तक, 6 मंथ टू 3 ईयर एट द प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट। हम क्या करेंगे, एक रेट डिसाइड कर देंगे, भाई इस रेट से आपको ब्याज दिया जाएगा, रेट ऑफ
इंटरेस्ट डिसाइड कर देंगे। और लोगों से जैसे 10,000 रुपये दो और आपको 12 महीने बाद में इसका 12,000 रुपये दे दिया जाएगा, तो 2,000 रुपये का ब्याज के लालच में लोग अपन को क्या करेंगे, डिपॉजिट देंगे। ऐसे ऐसे मान लो कि अपने कुल मिला के 2,000 व्यक्तियों से पैसा ले लिया। अब 2,000 व्यक्तियों को 10,000 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 1, 2, 3 इकाई दाई सैकड़ों हज़ार 10,000,00,000 10,00,00,000 करोड़ 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो गई बेटा। 2 करोड़ रुपीज़ वी हैव द अरेंज फ्रॉम द पब्लिक। कैसे किया भाई, ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ा एक व्यक्ति से। तो ऐसे मान लो पूरी पब्लिक में अपने जितने अपने जानकार थे या अपने जिन लोगों को उनको ट्रस्ट है कि अपनी कंपनी रेपुटेड है, ये सिर्फ कौन कर सकती है, कोई रेपुटेड फर्म ही कर सकती है। कॉमर्शियल पेपर, ये आपको आपके लिए नया है एकदम। देखो, इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमिजरी नोट इश्यू बाई ए फर्म हैविंग गुड क्रेडिट वर्थिनेस टू राइज फंड फॉर ए शॉर्ट पीरियड वरिंग फ्रॉम 1 month टू 1 year। दीज आर इश्यू बाई द फर्म टू द अदर फर्म और इंश्योरेंस कंपनीज टू पर्सन फंड एंड टू बैंक्स। ओनली फर्म हैविंग गुड क्रेडिट रेटिंग कैन इशू द कॉमर्शियल पेपर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द। ये बात तो अलग है, इसको रेगुलेट कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, RBI। ये है क्या, ये क्या होता है बेटा, छोटे छोटे शेयर होते हैं मान लो जिनकी उम्र होती है 1 month to 1 year। तो जैसे 100 रुपये का अपन ने कर दिया, या फिर मान लो कि एक तरह से इसको प्रोमिजरी नोट भी मान सकते हो, प्रोमिजरी नोट के रूप में समझो कि भाई मैंने किसी व्यक्ति को दे दिया कि मैं 5,000 रुपये दूसरे फर्म को देता हूँ। अब ये इसको अपन ने दिया तो ये इनसे अपन ने 5,000 रुपये ले लिए। अब ये बैंक, ये सॉरी जो दूसरे दुकानदार है, तो वो क्या करेगा, इस कॉमर्शियल पेपर को उसके पास लेके जाएगा, थोड़े दिन बाद में उसका वापस पैसा लेके आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये होता क्या है, जैसे लेते वक्त वो क्या करेगा 4,900 रुपये ही देगा और वापस लेते वक्त पूरे 5,000 रुपये लेगा। तो ये जो 100 रुपये है ना, ये उसके क्या हो गए, एक तरह से ब्याज के रूप में हो, जिसको अपन डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। इस टाइप से उसकी होती है, मेच्योरिटी पे पूरा रिपेयर मिलता है उसको, पहले उसने कम दिया जाता है। तो ये हो गया आपके कमर्शियल पेपर, इसको मैं आपको डिटेल में आप वाली बुक से मैं दोबारा इसको बता दूंगा, अगेन अपन देखेंगे आपका। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ये थोड़ा सा ज़रूरी है, क्या है, देखो क्या फ़र्क है कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट में, क्या फ़र्क है ये आपको पहले बताया था मैंने। बैंक लोन और कैश क्रेडिट कैन बी गिवन टू एनी पर्सन फर्म और बिजनेस वेदर दे हैव दियर अकाउंट इन द बैंक और नोट। ये कह रहा है कि चाहे आप खाता खुल, आपका खाता हो या ना हो, आप, मैंने आपको बताया था सीसी लिमिट नाम बोला था, करवा सकते हो किसी दूसरे बैंक से, बट बैंक ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी गिवन ऑन करंट अकाउंट ओनली। जिसका करंट अकाउंट होता है उसी को बैंक ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, और सीसी लिमिट होती है ना कैश क्रेडिट, ये किसी दूसरा बैंक भी अपन को कर सकता है नया खाता खोल कर भी, जिस खाता होना जरूरी नहीं है। दूसरा, इन केस क्रेडिट अरेंजमेंट, केस क्रेडिट अरेंजमेंट द सेंक्शन लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड इन ए सेपरेट अकाउंट, आ गया ना नया खाता खोल के, ओपन वेदर इन द बैंक ओवर ड्राफ्ट इज नो सच ए सेपरेट अकाउंट। और इस केस में अपना एक कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता है। अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी ओपन द एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट, मतलब एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट होता है वही बैंक ओवरड्राफ्ट में चल जाता है। तीसरा, इन केस क्रेडिट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट इज सेंक्शन बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफर्ड सिक्योरिटीज, बट इन द केस, इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ तक पढ़ो पहले। इन केस क्रेडिट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट की लिमिट होती है, अमाउंट फिक्स कर दी जाती है। यहाँ इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट द ओवरड्राफ्ट लिमिट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज डिपॉजिटेड इन द क्रेडिट अकाउंट एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। ये डिपेंड करता है उनके ट्रांजैक्शन पे, ये तो लिमिट एक साथ ही कर जाती है, ये बढ़, इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसकी उसकी बैरिंग, उसका व्यवहार, बिहेव ऑफ द क्लाइंट, इसकी बोरोइंग कैपेसिटी, ये सब देख के बैंक ओवरड्राफ्ट डिसाइड किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, फॉर केस क्रेडिट इट इज असेंशियल टू ऑफर टेंजिबल असेट्स एज ए सिक्योरिटी वेदर इन द बैंक ओवर ड्राफ्ट दिस फैसिलिटी इज जनरेटेड विदाउट एनी सिक्योरिटी। ये क्या बोल रहा है, फॉर कैश क्रेडिट, फॉर कैश क्रेडिट इट इज असेंशियल टू ऑफर टेंजिबल असेट्स एज ए सिक्योरिटी। इसके अंदर क्या है, टेंजिबल असेट्स सिक्योरिटी के रूप में रखी जा सकती है,
वेदर इन द बैंक ऑफ बैंक ऑफ ड्राफ्ट में कुछ रखी जाती है, इसमें टेंजिबल असेट्स रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये क्या करती है, स्टॉक का रजिस्टर मांग लेती है, आपको स्टॉक मेंटेन करवाती है। ठीक है, ये पॉइंट जरूरी नहीं है। देखो इसमें इन केस क्रेडिट इट इज असेंशियली जरूरी है, इसने कहा है कि टू ऑफ आफ्टर है गई आफ्टर टू आफ्टर टेंजिबल असेट्स एज अच्छा आफ्टर सॉरी टेंजिबल असेट्स रखने के बाद में। लेकिन सीसी लिमिट में आजकल क्या होता है, बैंकों की अलग अलग सिचुएशन आती रहती है, वो बिना सिक्योरिटी के भी रख सकता है, डिपेंड करता है आपके ट्रांजेक्शन कैसे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस क्रेडिट इज हायर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है और बैंक ऑफ ड्राफ्ट वाले केस में बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे ये जो बात कही इसको ध्यान रखना कि भाई टेंजिबल असेट्स कंपलसरी हो गया है, मतलब बैंक कुछ ना कुछ रख लेती है कहने का, मतलब चाहे स्टॉक का कागज रखे, चाहे कोई आपकी असेट्स है उसका बिल रख लेती है। बैंक ऑफ ड्राफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका खाता खुला हो उसमें एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो ले लेती है। और द रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होती है और इसमें कम होती है। तो ये था आपका चैप्टर। थैंक यू सो मच।